हेलो एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक है कि हम चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में से व्हाई वी प्रेफर ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड फॉर डिटरमाइनिंग मोलर मासेस ऑफ द सोडियम पार्टिकल्स। अब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का बहुत अच्छा सवाल होता है। पिछले साल बोर्ड एग्जाम में आया था, इस साल ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, एसेशन रीजन में आ सकता है कि भाई हम क्यों प्रेफर करते हैं इसको। तो देखिए, आप कहेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इज फीजिबल एट रूम टेम्परेचर। अगर आप ध्यान से देखिए बच्चे, उसका फॉर्मूला क्या होगा, पाई इक्वल्स टू सी आर, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर और टेम्परेचर दोनों डायरेक्टली रिलेटेड है यहाँ पे। तो क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो रूम टेम्परेचर पे फीजिबल है, दैट्स व्हाई वी कैन इजीली प्रेफर दिस। ठीक है, दूसरी बात, हम उन तीनों प्रॉपर्टीज में यूज करते थे मोलारिटी, हम यहाँ पे यूज करते हैं बच्चे मोलारिटी। तो हम कहते हैं एज वी ओबे मोलारिटी ओवर हियर, सो इवन फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस इट्स वैल्यू इज मेजरेबल, वी कैन से कंपैरेबल। नाउ तीसरी बात, आप जो सॉल्यूट पार्टिकल हम यूज करते हैं लाइफ में, बेसिकली क्या होगा, या तो पॉलीमर होगा या क्या होगा, आप कह सकते हो बायोमॉलिक्यूल होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने पे उनकी जो स्टेबिलिटी है, उनकी जो सॉल्युबिलिटी है, वो हैम्पर हो सकती है। इसलिए हम कहते हैं बच्चे कि मोस्ट ऑफ द सॉल्युबल पार्टिकल्स व्हिच वी यूज इज द बायोमॉलिक्यूल्स ऑफ पॉलीमर्स, सो ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द टेम्परेचर देयर सॉल्युबिलिटी एंड स्टेबिलिटी मे गेट अफेक्टेड। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, सब्जेक्टिव भी आ सकता है, बाकी पढ़ते रहिए बच्चे।